सभी यूट्यूबर बोल देते हैं कि गुस्सा तो हर किसी को आती है। एक दिन कमेंट कर देगा इंसान, चलो इग्नोर कर देती हूँ मैं, रिमूव कर देती हूँ, दूसरे दिन करे वो फिर रिमूव, 10 दिन वो बार बार, भाई चलो मेरे मुझे कमेंट कर रहा है मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, मैं यूट्यूब पर हूँ, मुझे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पास। अभी अभी तो सब्जी बची है, खा लेती हूँ। हाँ चलो और जे मैं आप लोग को जो मत अच्छी लगती है समय में जाकर देखेंगे। हाँ, तो मतलब वो जो देखते हैं ना, फिर क्या करते हैं, उनको जाकर बोलते हैं, मेरे सब्सक्राइबरों को अगर कोई बोलेगा गलत, आप लोग भी मेरी फैमिली हो, आप लोग मेरे प्यारे प्यारे सपोर्टर्स हो, तो मेरे सामने अगर आप लोगों को कोई गलत बोलेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी। तो वही मुझे गुस्सा आ जाती है कि मतलब मेरे सब्सक्राइबरों जाके अगर भड़काया जाएगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो फिर तभी मुझे गुस्सा आता है, तभी मैं सुना देती हूँ। ऐसे मुझे इतनी गुस्सा भी नहीं आती, मेरे तक बोलेगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे सब्सक्राइबरों के कमेंट सेक्शन में जा जाकर इतना टाइम रहता है कि उन पर जा जाकर उनको भड़काते हैं, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाती है, तो फिर मैंने सुना दी थी, तब मुझे गुस्सा आई थी। अब इस चीज को आप एटीट्यूड समझो, या फिर आप लोगों से मैं इतना प्यार करती हूँ, आप लोगों के अगर कोई गलत बोलता है तो मुझे बुरा लगता है, ये चीज भी आप समझ सकते हो। एटीट्यूड समझना, ये आपके आप समझ सकती हो, देखिए हर चीज के दो पहलू हैं, आप इसको एटीट्यूड समझ रही हो लेकिन मेरी नजर में एटीट्यूड नहीं है, मेरी नजर में आप लोगों की रेस्पेक्ट है, मैं आप लोगों की रेस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं आप लोगों की रेस्पेक्ट करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जे चाकू से टमाटर कटे आएगा, हम देखते टमाटर कटा नहीं कटा तो हम ऐसे दासे वाला खाएंगे, तो ऐसे 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 करके फिर कटे आएगा। थैंक यू गाइस, बोलिए आप। तो बस मैं यही बोल रही थी कि आप लोगों के लिए मेरे मन में जितनी रेस्पेक्ट है, मतलब मैं आप लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, मेरे तक बोलते हैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन आप लोगों को अगर कोई गलत बोलता है मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है, मैं आप लोगों की बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली है, आप लोग मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत कुछ हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या कर रही हूँ मैं, चार्ज चार्ज लगा रही हूँ, गाने चल रहे हैं पीछे, देखिए 9XM पर गाने चल रहे हैं, और गाने चल के काम जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं आज मॉर्निंग का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मॉर्निंग में मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, फेस वॉश, अपनी क्लीनिंग, नहाना धोना, जो भी कुछ है घर का काम, वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ मॉर्निंग से। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा आज का व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी हम वही करेंगे, पेस्ट वगैरह से लेके सब कुछ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हो। दीव देखिए उठकर ही बाहर खेलने चली गई है, अभी अपने लिए चीज लेके आई है, देन उसका फिर बाहर खेलने चली गई है। बस तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। और पता है मेरे जो कल पैर में लग गई थी ना, वो वहाँ बहुत दर्द हो रहा है यार, बहुत दर्द। अभी नहाऊंगी तो पता नहीं और ज्यादा होगा। तो बस आज मुझे पूरी क्लीनिंग आप लोग, और सर्दी लग रही है, पता है सर्दी तो लग रही है, अभी मॉर्निंग में सर्दी है, तो बस सर्दी वर्दी लग रही है, पानी वानी गर्म करने रखना है, नहाना है, और देन उसके मंदिर जाना है, और उसके बाद आज तो अभी मंदिर में प्रोग्राम होने वाला है 1-2 दिन में, और मैंने जो फेस वॉश शैम्पू किया था, बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत अलग जी। तो उसके लिए मैं मिक्सी का यूज़ नहीं करूँगी, ऐसे चॉपर में ही सारा कर लूँगी, देखो मिक्सी में ही पेस्ट बना सकती हूँ, देखते हैं क्या करना है। और मैं सोच रही हूँ कि 1-2 जो बैग होते हैं ना, चैन वाले थैले टाइप, वो लेकर आऊँ या मंगाऊँ, तो उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि जो मेरे कपड़े हैं ना, वो मुझे बेड में रखने हैं, और तो चूहे तो बेड खुल रहा है ना इधर से, तो चूहे काटते हैं, ये चक्कर पड़ रहा है। चलिए आज का ब्लॉग है, नींद आ रही है सच में, ऐसा लग रहा है घंटे और सो जाओ, फिर अगर सो जाते रहे तो बहुत लेट हो जाता है काम, तो इसलिए मैं सोऊंगी नहीं। चलिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट, देखिए डिसलाइक करने वाले डिसलाइक करना नहीं भूलते, तो आप लोग लाइक करना क्यों भूल जाते हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए, देखते हो वैसे ही लाइक करा करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करा करिए न्यू आए हो तो, क्योंकि अच्छे लोगों की दुनिया में बहुत कमी होती है, अच्छे लोगों की कमी होती है, प्लीज किया करिए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट, लाइट चली गई, टीवी
टीवी नहीं देख पाएंगे अब हम, गाने भी नहीं सुन पाएंगे। लाइट इज गो गो, दियू पता नहीं कहाँ है, बाहर है। दियू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं ये वीडियो एडिट कर चुकी थी, बट दियू ने मेरी वीडियो डिलीट कर दी, मुझे दोबारा से एडिट करनी पड़ रही है। तो अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो प्लीज़ सॉरी, और नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रहिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये आप लोग भी समझदार हो कि ऐसे ऐसे मेरी वॉइस लेकर ये सब करके आप लोग जानते हो कैसे की जाती है, और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ भाई, मैं भी 2 साल से यूट्यूब पर हूँ, किस तरह से करी जाती है और किस तरीके से नहीं करी जा रही जानती हूँ मैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भरोसा बनाए रखिए, आप लोग भरोसा खोओगे ना तो वो ऐसे ही उनका मकसद है ना वो कामयाब होगा, तो आप लोग भरोसा मत खोइए और क्वेश्चन मत करिए। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, तो उनको भी पता है कि ये सब क्या हो रहा है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यार जानते हैं, ये सब न्यू नहीं है। और अभी तो ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं, रियल की मंत्रा है ना, जो रामायण से मंत्रा निकलकर पृथ्वी पर आ गई है, और वो क्या कर रही है, वो ही ये काम कर रही है। तो मंत्रा से दूर रहिए ऐसे मंत्राओं से, क्योंकि ये खुद तो डूबती डूबती हैं, दूसरे को लेकर डूबती हैं, तो इनसे दूर रहिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए नए आए हो तो, और वीडियो को लाइक करिए प्लीज़, आप लोग के लाइक की बहुत ज़रूरत है। हाँ, लाइक तो आप लोग आ ही रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आ रहे हैं, तो मैंने देखा। और यहाँ पर पता है कूड़े वाले अंकल आ गए थे, तो मैंने कूड़े वाले बाहर डालने गई हूँ, डस्टबिन में से जो भी कूड़ा होता है। और आप लोगों को पता है मॉर्निंग में रूम की क्या हालत है, तो मेरे से किसी ने पूछा था कि आपने रूम में कपड़े धोए, तो रूम में कपड़े मैंने बर्तन धोए थे, तो क्या हो गया, जिसके पास एक रूम है तो रूम में धोता है, जिसके पास घर है वो घर में धोता है, जिसके पास घर नहीं है तो घर बाहर देता है, कोई किसी को देने नहीं आ रहा, सब अपनी मेहनत का खा रहे हैं। तो प्लीज़ किसी को नीचा मत दिखाया करिए, क्योंकि भगवान देखता है, जब कोई किसी को नीचा दिखाता है ना, उसका नीचा पहले से देखने लगता है। और मेरे से किसी ने ये बात बोली थी, मेरे 6 महीने हो गए चैनल को, अब 7-6 महीने हो गए हैं, क्योंकि मैंने उनसे ये बात बोली थी, जो इंसान है ना अपने ऊपर बढ़ता है वो हमेशा चलता है, और जो इंसान दूसरे के ऊपर बढ़ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल चलता है। तो वो मैडम को इसलिए ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि मैडम वो दूसरों के कंधों पर बढ़ी हैं, और अपने ऊपर बढ़ती तो शायद उनको बुरा नहीं लगता, लेकिन वो दूसरों के ऊपर बढ़ी हैं तो उनको बुरी लगी। तो उन्होंने मुझे लौट के रिप्लाई करा कि आपके भी 6 महीना हो गया है चैनल को, तो मैडम शायद आपको पता हो मेरे को 2 साल हो चुकी हैं, और 2 साल से मेरा जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, ना तो ऊपर उठा ना ज़्यादा नीचे गिरा है। तो मैं वही बोलूंगी आप लोगों से कि दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है ना वो खुद पहले गिर जाता है, तो प्लीज़ दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदो। और सच है वो तो सच है, क्योंकि जब हम दूसरे के ऊपर बढ़ते हैं ना, तो इंसान दूसरे के लिए हमें सब्सक्राइब करता है, मतलब किसी ने अगर हमारा चैनल प्रमोट करा है तो वो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, मतलब उन्होंने कहा इसलिए, हमें खुद को देखने के लिए नहीं करता, फिर खुद को देखता है कुछ दिन, फिर वो हटा देता है क्योंकि वो बोर हो जाता है। तो मैंने ये गलत नहीं बोला था मैडम जो आप इतना बुरा लग गया, क्योंकि आप भी दूसरों के ऊपर ही बढ़ी हो, तो बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं थी, सच है दुनिया का। जो अपने कछुए के रास्ते चलता है ना, कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, जो कछुए के रास्ते चलता है वो जीतता है, और जो खरगोश के रास्ता खरगोश के तरीके से चलता है ना वो हार जाता है। तो मैं तो भैया कछुए की तरह चल रही हूँ, मैं जीत भी रही हूँ। तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी सिस्टर का चैनल है मिस जैन ब्लॉगर, उस पर बहुत ही अच्छा रोस्ट आया है, बहुत ही अच्छा, जो मैडम ज़्यादा मंत्रा बन रही थी, बहुत अच्छा मंत्रा, मंत्रा को मंत्रा की शकल और मंत्रा का सब कुछ दिखाया है। और लास्ट मैसेज और मैं उनको देना चाहूँगी, सुधरती हैं तो ठीक है, नहीं सुधरती तो उनकी मर्जी, आगे उनकी जो मंत्रा है सब वो निकल जाएगी सारी। तो यहाँ पर मैं सारा कूड़ा वगैरह हटा लूँगी। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि मेरी बेटी ने वीडियो डिलीट कर दिया, सो प्लीज़ सॉरी। और इसके आगे की वीडियो मैं कल ऐड करूँगी, क्योंकि बहुत लेट हो गया है व्लॉग, और अभी ये व्लॉग जाना भी है। तो अगर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लास्ट मैसेज मेरा उन आंटी के लिए सुन लेना। सो गाइस जस्ट तो देखिए दियू ने क्या करा अपना दियू हट जाओ फिर आप, है ना, अपना काजल काजल कर लिया आपने, अभी नहीं छूता, पूरी भूतनी लग रही हो। और इसने पता रात में काजल काजल पूरी पर लगा दी था, आधा तो मैंने साफ कर दिया, अब आधा नहाएगी तब साफ कर दूंगी। तो यहाँ पर अभी ब्लॉग में एंड करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ बात करनी थी, तो मैं अभी वीडियो एडिट भी नहीं करी, वीडियो एडिट करूँगी
और देन अभी मैं, हाँ बेटो मुझे नहीं पता, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी सही नहीं है, और वैसे तबीयत खराब नहीं है मेरी, थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है। आप लोगों को पता है कि पीरियड्स में ऐसा होता है, तो बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगी, ये आप लोगों से बोलूँगी थैंक यू सो मच। आप लोग समझदार हो, आप लोग जानते हो कि ये यूट्यूब पर जो भी कुछ हो रहा है फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑलरेडी होता है। बहुत सारे लोग अपना चैनल चलाने के लिए कंट्रोवर्सी का यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, तो लेकिन कुछ लोगों ने थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चला लिया है कंट्रोवर्सी करने के लिए। मैं जो भी तुम्हारा नाम है, मैं तुम्हारा नाम क्या जो भी है, क्या है दीपकैया भिपैया जो भी तुम्हारा नाम है, जो ऐसे तुम नाम बिगाड़ना जानते हो वैसे हम भी जानते हैं, ठीक है। शिव्या खिव्या बिव्या जो भी तुम्हारा नाम है, ठीक है। एक मैसेज है, अगर तुम चाहती हो कि ये सब यही स्टॉप हो जाए, अगर तुम चाहती हो कि कंट्रोवर्सी ना हो आगे, तो जो फालतू की तुमने मेरी वीडियोस बनाई है उनको हटा दो। देन उसके बाद तुम, एक और चीज बोलूंगी, मेरा फालतू का नाम और मेरे जो फोटो टेढ़े मेढ़े लगाए हैं ना उनको भी हटा दो, क्योंकि जितना तुम ये करना जानती हो उससे डबल करना हम लोग भी जानते हैं। समझ में आ रही है? मेरी फैमिली के बारे में तुम जानती नहीं होगी, इसलिए तो एक ही चीज बोलूंगी, अगर तुम चाहती हो कि आगे ये बात बढ़े और तुम्हारे ऊपर अब वीडियोस बने, तुम्हें फेम चाहिए था ना, तुम्हें फेम दिया जाएगा। जैसे तुमने फोटो बनाई मेरी इस तरह से, उस तरीके से, इस तरह से करके, तो इस तरह से सेम सेम वही प्रोसीजर तुम्हारा यूज किया जाएगा। और जो तुमने चमचे भेजे थे ना लड़ने के लिए, उनकी तो बैंड बज गई, अब तो उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो बोल पाए, ठीक है। और हाँ एक और बात, आप मेरे कमेंट सेक्शन को मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि मेरे एक यूट्यूबर ने मेरे कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया था। मेरी एक सब्सक्राइबर है, किसी नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, उनका स्क्रीनशॉट लिया था तो, और अपने कम्युनिटी पर डाला था। यही कारण है कि मैंने उस, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, तो यही कारण है कि मैंने अभी कमेंट सेक्शन बंद कर रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई ले। तो मैं उन मैडम से भी ये बात बोलूंगी कि मैडम आपके ऊपर, आप बेशक चेहरा नहीं दिखाती हो लेकिन रोस्टिंग करने के लिए ना आवाज बहुत काफी है, भौकी सौकी कौकी जो भी नाम है तुम्हारा, ठीक है। मुझे तुम्हारा एग्जिट नेम नहीं पता क्योंकि तुमने इतनी चालाकी खेलती हो, फेस से नहीं आती हो, पीछे से बोलती हो। अब तो है मेरे पास, तुमने जो एक बार डाला था तुम्हारा भी है, हमारा एक फोटो ही बहुत है, एक फोटो बहुत है। चाहती हूँ यही बात स्टॉप कर दो, जो मेरी वीडियो बनाई है ना तुमने दूसरों के मामले में बीच में पड़ के नाक अड़ाकर, जो तुम मेरे से कह रही थी ना, तुमने भी नाक अड़ाई है, ठीक है, तुमने भी नाक अड़ाई है, तो नाक अड़ा कर जो तुमने बनाई है वो हटा दो फालतू की, अगर तुम चाहती नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर भी आगे वीडियो बने। नहीं तो रोस्टिंग तुम हजम नहीं कर पाओगी, रोस्टिंग होती कैसे है, समझ में आ रही है? तुम रोस्टिंग हजम नहीं कर पाओगी, हटा दो। और ये टेढ़े मेढ़े मुँह के जो करे हैं तुमने वो हटा दो, नहीं तो तुम्हारे इससे भयंकर टेढ़े मेढ़े मुँह के लगेंगे, तो हटा दो उनको। मैं प्यार से बोल रही हूँ, ठीक है, कल तक देखूंगी तुम सुधरती हो तो ठीक है, और नहीं सुधरती हो आगे तुम्हारी मर्जी है। और ये जो पीछे से चला रहे हैं अपने चैनल चलाने की एक टेक्निक है कंट्रोवर्सी पाकर, और ये बहुत सारे यूट्यूबर करते हैं, तो बिना सोचे समझे वीडियो मत बनाओ। इस वीडियो के साथ नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय।